ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर 2009 केएसएससी जेई के क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है अर्थ फोर्ड रिले आर। फर्स्ट है डायरेक्शनल रिले, सेकेंड नॉन डायरेक्शनल रिले, फोर्थ सॉरी थर्ड शॉर्ट ऑपरेटेड टाइम रिले, फोर्थ लॉन्ग ऑपरेटेड टाइम रिले। तो अर्थ फोर्ड रिले एक प्रकार का नॉन डायरेक्शनल रिले है। अब लोग जान लेते हैं डायरेक्शनल रिले और नॉन डायरेक्शनल रिले में क्या डिफरेंस है। तो जो नॉन डायरेक्शनल रिले है वो चीपर होता है कंपेयर टू डायरेक्शनल रिले, ठीक है। और जो डायरेक्शनल रिले होता है वो एक प्रकार रिले है विच ऑपरेट करता है जब हमारा करंट फ्लो करता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तब ये ऑपरेट करता है, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम डायरेक्शन रिले लगाते हैं और इस डायरेक्शन रिले का जो एरो है वो इस जगह पे, तो हमारा जो डायरेक्शन रिले तभी ऑपरेट करेगा जब हमारा करंट का डायरेक्शन इस ओर होगा, तभी ये ऑपरेट करेगा। ये करंट का डायरेक्शन अगर इस ओर होगा तभी ये जो रिले है वो ऑपरेट करेगा, अदरवाइज नहीं ऑपरेट करेगा। अगर मान लीजिए मेरा रिले का डायरेक्शन इस तरह है, ये डायरेक्शन रिले है और हमारा करंट इस ओर फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो ये रिले है ये ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नॉन डायरेक्शन रिले का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं और डायरेक्शन रिले का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। अगर हमारा लोड पेसिव होगा तो जो डायरेक्शनल रिले है वो लोड साइडेड लगेगा और नॉन डायरेक्शन रिले जो है वो हमारा सोर्स साइड यूज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक जनरेटर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं टोटल 7 रिले यूज़ करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा रिले कहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर 2 जनरेटर है जो डिलीवर करेगा पावर को और यहाँ पर एक लोड है, ठीक है। टोटल यहाँ पर मैं 7 रिले यूज़ करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नंबर दे देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अगर नॉर्मल अभी कोई फॉल्ट नहीं हुआ है सर्किट में तो हमारे जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा। ये जो जनरेटर है वो डिलीवर करेगा पावर को लोड में और हमारा लोड ऑब्जर्व करेगा पावर को, और सेकेंड जनरेटर भी है वो भी डिलीवर करेगा, ठीक है, और यहाँ से भी हमारा जो है डिलीवर होगा, ठीक है। लेकिन अगर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फॉल्ट ओकर हो गया है सर्किट में 3 और 4 के बीच, ठीक है, यहाँ पर फॉल्ट ओकर हो गया, तो अब हमारा जो जनरेटर वो डिलीवर करेगा करंट को इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हमारा जो ये सेकेंड जनरेटर वो भी इसी ओर जाएगा, ठीक है, फॉल्ट में करंट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो करंट का डायरेक्शन है जो प्रीवियस जब नॉर्मल कंडीशन में था तो करंट का डायरेक्शन इस तरह था, ठीक है, लेकिन जैसे हमारा फॉल्ट ओकर हुआ तो हमारा करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया 4 नंबर रिले में। तो यहाँ पर जो हम लोग रिले यूज़ करेंगे वो हमारा डायरेक्शन रिले होगा और जो डायरेक्शन रिले होगा उसमें जो एरो का साइन होगा वो लेफ्ट साइडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरो होगा लेफ्ट साइडेड एरो होगा, ठीक है, लेफ्ट में एरो होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला है कि जैसे हमारा करंट का डायरेक्शन इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा तो हमारा जो रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रिले यूज़ करेंगे, डायरेक्शन रिले, लेकिन वही हमारा 3 नंबर रिले में हम लोग नॉन डायरेक्शन रिले यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा, जो पहले करंट का डायरेक्शन था वही करंट का डायरेक्शन फॉल्ट के बाद भी है। तो यहाँ पर हम लोग नॉन डायरेक्शन रिले यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो नॉन डायरेक्शन रिले है वो चीपर होता है कंपेयर टू डायरेक्शन रिले। सेम हम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा यहाँ पर फॉल्ट आया है तो ये सोर्स का करंट इधर जाएगा, ठीक है, जो यहाँ जो फर्स्ट सोर्स का करंट ये भी इसमें जाएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर जो रिले है वो भी हमारा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिले लगेगा वो डायरेक्शनल रिले लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो होगा फर्स्ट नंबर रिले में जो रिले यूज़ करेंगे वो नॉन डायरेक्शन रिले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ पर हम लोग डायरेक्शन रिले यूज़ करेंगे, कहाँ पर नॉन डायरेक्शन रिले यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने जो लोड लिया है वो पैसिव लोड है, इसके वजह से लोड जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा पावर, जिसके वजह से हम लोग
ये मान ले सकते हैं कि हम लोग लोड साइड डायरेक्शन रिले यूज करते हैं, लोड साइड डायरेक्शन रिले यूज करते हैं और सोर्स साइड नॉन डायरेक्शन रिले, ये तभी अप्लीकेबल है जब हमारा लोड पैसिव है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेटेड ऑफ फ्यूज इज प्लेस्ड इन द टर्म ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर, सेकेंड वोल्ट, थर्ड वीएआर, फोर्थ केवीए। तो जो फ्यूज है उसको हम रेटेड करते हैं, रेटेड है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ एम्पियर, एम्पियर से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो फ्यूज है वो फ्यूज एक प्रकार प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में तो क्या होता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है और सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो फ्यूज एक प्रकार प्रोटेक्टिंग डिवाइस के रूप में कार में लाया जाता है और यह डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और फ्यूज का जो रेटिंग है वो एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर में, क्योंकि दे करंट कैरिंग कैपेसिटी के वजह से हम लोग फ्यूज को रेटिंग को एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर के टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय बर्डन ऑफ रिले बी मीन्स, पहला ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले, सेकेंड है करंट रेटिंग ऑफ रिले, थर्ड है वोल्ट रेटिंग ऑफ रिले, फोर्थ है वाट रेटिंग ऑफ रिले। तो जो बर्डन ऑफ रिले है बी मीन्स द वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले, वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले, जो बर्डन है उसको हम लोग रेटेड करते हैं वोल्ट एम्पियर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले रिएक्टेंस रिले आर एक्सप्रेस्ड फॉर फेज फॉल्ट इन, तो पूछा जा रहा है रिएक्टेंस रिले कहाँ पे यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है लॉन्ग लाइन में, सेकेंड है मीडियम लाइन में, थर्ड है शॉर्ट लाइन में और फोर्थ है एनी ऑफ दिस। तो जो रिएक्टेंस रिले है वो हम लोग शॉर्ट लाइन में यूज करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि लॉन्ग लाइन और मीडियम लाइन में कौन सा रिले हम लोग यूज करते हैं। तो लॉन्ग लाइन जो होता है उसमें हम लोग महो रिले यूज करते हैं और जो मीडियम लाइन है उसमें हम लोग इम्पीडेंस रिले यूज करते हैं। ये जो महो रिले, इम्पीडेंस रिले और रिएक्टेंस रिले ये डिस्टेंस रिले के टाइप है। डिस्टेंस रिले जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है महो रिले, सेकेंड होता है इम्पीडेंस रिले, थर्ड होता है रिएक्टेंस रिले। कभी कभी पूछा जाता है कि इसको महो रिलो को एक्सप्रेस करो एक्स और आर ग्राफ में, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस में एक्स है रिएक्टेंस है और एक्स एक्सिस में रेसिस्टेंस है और वाई एक्सिस में रिएक्टेंस है, तो अगर महो रिले को हम इसमें कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो महो रिले को हम एक्सप्रेस करते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा जो मीटर है सर्कल का वो ओरिजिन से टच होता हुआ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ये महो रिले का एक्स वर्सेस आर का ग्राफ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमको इम्पीडेंस रिले का पूछा जाए तो इम्पीडेंस रिले में क्या होता है, जो सेंटर होता है सर्कल का वो ओरिजिन से होकर जाता है, तो कुछ इस टाइप का ये हमारा होता है इम्पीडेंस रिले का। ठीक है, अगर वही हमारा रिएक्टेंस रिले का पूछा जाए तो रिएक्टेंस रिले का कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंस रिले का हो गया, ये हमारा इम्पीडेंस रिले का और ये हमारा हो गया महो रिले का। ठीक है, ये जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन में फिगर गिवन रहता है और पूछा जाता है कि कौन सा किसका है, तो मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मैचिंग करने में आ सकता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज, तो हम लोग जानते हैं कि लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एलएन डी बाय आर। ठीक है, फेराड पर मीटर। ठीक है, अगर वही हम लाइन टू न्यूट्रल का बात करें तो हमारा होता है टू पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एलएन डी बाय आर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है रेशियो लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, मीन्स लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस का रेशियो। तो
लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला उसे पुट करते हैं यहाँ पे, तो पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एल एन डी बाई आर, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी बाई आर, तो पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ होगा, ठीक है, एल एन डी बाई आर, एक ऊपर जाएगा एल एन डी बाई आर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा टू पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन वन बाई टू बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेशियो है लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सॉरी रेशियो जो है लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज वन बाई टू, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर सीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज, अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसमें सीथ के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है लीड, सेकेंड ऑप्शन है स्टील, थर्ड है रबर, फोर्थ है कॉपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सीथ का हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल में वो किस लिए यूज करते हैं। तो सीथ जो क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है केबल को मॉइस्चर से, कोई भी नमी को केबल के अंदर जाने नहीं देता है, अगर गैसेस कोई है उसको भी अंदर जाने से रोकता है, कोई भी जो लिक्विड या फिर जो सॉइल में जो एसिड होते हैं, एसिड को अल्कैलिक जो होते हैं उन सभी को मतलब केबल में जाने से रोकता है, तो इसके लिए हम लोग सीथ का यूज करते हैं। तो सीथ जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं सीथ के लिए वो होता है लीड या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, या तो हम एल्यूमिनियम यूज करते या फिर लीड यूज करते, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लीड, ठीक है। जनरली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सीथ का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो याद रखिए ये केबल को प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकवरी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम फॉर पावर फैक्टर ऑफ, पहला ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 0.5, थर्ड है 0.707, फोर्थ है यूनिटी। पूछ रहा है जो रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम होगा किस पावर फैक्टर पे, तो जो ये रिकवरी वोल्टेज आता कब है और ये स्ट्राइकिंग वोल्टेज आता कब है, ठीक है, तो इस चीज़ को जान लेते हैं। तो जैसे ही हमारा जो सर्किट ब्रेकर है कोई फॉल्ट होकर होता है, तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ब्रेक होता है, तो सर्किट ब्रेकर जब ब्रेक होता है तो वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो आर्क प्रोड्यूस होता है तो जो कॉन्टैक्ट है दो जो कॉन्टैक्ट है जो सेपरेट हो रहा है उसके बीच दो प्रकार के वोल्टेज ऑपरेट प्रोड्यूस होते हैं, एक होते रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, एक होता है रिकवरी वोल्टेज और एक होता है आर्क वोल्टेज, ठीक है। जब हमारा पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में आर्क वोल्टेज होता है जब हमारा पूरी तरह से करंट जीरो नहीं होता, जब हमारा करंट पूरी तरह से जीरो हो जाता है मतलब पूरी तरह से ब्रेक हो जाने के बाद करंट पूरी तरह से हट गया, तो करंट जब जीरो हो जाता है तो हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अपीयर होता है और उसके थोड़ी देर बाद हमारा रिकवरी वोल्टेज ऑपरेट करता है। जैसे हमारा करंट जीरो होता है पूरी तरह से करंट खत्म हो जाता है, मीन सर्किट पूरी तरह ब्रेक हो गया, तो भी तब भी हमारा आर्क जनरेट होते रहता है, ठीक है, तो उस दरमियान को हम बोलते हैं, उस समय जो वोल्टेज अपीयर होता है अक्रॉस द कॉन्टेक्ट वो हमारा होता है री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा आर्क पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसके बाद जो वोल्टेज एपियर होता है अक्रॉस द कॉन्टेक्ट वो होता है रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। तो रिकवरी जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम कब होता है ये पूछा जाए, किस पावर फैक्टर पे मैक्सिमम होता है, तो हम लोग जानते हैं जैसे हमारा करंट जीरो होता है, ठीक है, तो उस समय हमारा क्या होता है कि जो हमारा फॉल्ट करंट है, जैसे हमारा करंट एट द इंस्टेंट ऑफ करंट जीरो जो फॉल्ट करंट है वो क्या होता है, लैग करता है आर्क वोल्टेज को 90 डिग्री से, ठीक है। तो मीन्स क्या, हमारा जो थीटा है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो उस समय हमारा जो कोस थीटा होगा वो जीरो होगा, ठीक है, उस समय हमारा कोस थीटा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो जो हमारा रिकवरी वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा जब हमारा पावर फैक्टर जीरो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का हम जनरली एम्प्लॉय करते फॉर, पहला ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए, इंटरमिटेंट ड्यूटी के लिए, थर्ड है रिपीटेड ड्यूटी के लिए, फोर्थ है शॉर्ट ड्यूटी के लिए। तो एयर ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम जनरली रिपीट
स्टेट ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर है उसका जो आर्किंग टाइम है बहुत ही स्मॉल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है बिटवीन द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के बीच जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो रेपिडली बिल्डअप होते रहता है, जिसके वजह से जो आर्किंग टाइम है बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, लेसर आर्क एनर्जी की वजह से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर सुटेबल होता है फॉर कंडीशन जहाँ पर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ फ्रिक्वेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूजफुल होता है, क्योंकि इसका आर्क एनर्जी जो होता है लेसर होता है। ठीक है, यही वजह है कि जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग यूज करते हैं रिपीटेड ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है फ्लो का वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटोट ट्यूब इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, पिटोट ट्यूब का यूज करते हैं किसे मेजर करने के लिए, पहला ऑप्शन है प्रेशर, सेकेंड है फ्लो, थर्ड है वेलोसिटी, फोर्थ है डिस्चार्ज। जो पिटोट ट्यूब है उस वो मेज़र करता है वेलोसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, और एक चीज़ जान लेते हैं कि जो पिटोट ट्यूब है इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, वो है पिटोट प्रोब। ठीक है, पिटोट प्रोब, तो ये जो पिटोट ट्यूब है एक प्रकार का फ्लो मेजरिंग डिवाइस है जो मेज़र करता है फ्लूड के फ्लो वेलोसिटी को। ठीक है, जनरली हम पिटोट ट्यूब का यूज करते हैं मेजर करने के लिए एयर स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के एयर स्पीड को मेजर करने के लिए, बोट के वाटर स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग पिटोट ट्यूब का यूज करते हैं। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है जो 2009 के SSC JEE के क्वेश्चन हैं। तो चलिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।